मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा, मैं उससे कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आई वेलकम यू माई यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आपको मैं आज विल और सेल का यूज पढ़ाने वाला हूँ। यह एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। विल सेल का उपयोग दोनों का एक जैसा ही होगा। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, विल और सेल में, जब एक जैसे इनका उपयोग होगा। तो पहले पढ़ते हैं कि ये उपयोग में क्या क्या आते हैं, किस तरह से इनका उपयोग हम करते हैं। विल सेल का उपयोग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, थ्रेटन यानी धमकी देने के लिए, या फिर प्रॉमिस वादा करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आपको इसमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। आपको विल के साथ आई और वी सब्जेक्ट लगाना है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ आपको शेल का उपयोग करना है। जैसे ही शी इट दे और यू के साथ, आई वी के साथ आपको विल का उपयोग करना है। यदि इस तरह से आप करेंगे तो इसका मतलब जो है आपका, किसी को आप किसी बात का निश्चय कर रहे हैं, या फिर किसी से वादा कर रहे हैं, या फिर किसी को आप धमकी दे रहे हैं। यदि आप सब्जेक्ट इंटरचेंज कर देते हैं तो सब्जेक्ट प्लस फिर विल या सेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका फॉर्मूला होगा। मैं उससे कभी नहीं बोलूंगा, आई विल नेवर स्पीक टू हर। वह उससे कभी नहीं बोलेगा, ही सेल नेवर स्पीक टू हर। मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा, आई विल अचीव माई गोल। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच हर अ लेसन। वी विल किल हिम, हम उसे मार देंगे, वी विल किल हिम। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। वह तुम्हें बर्बाद कर देगा, ही शिल रूइन यू। मैं साथ दूंगा, आई विल कंपनी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल कंपनी। मैं उसका साथ दूंगा, आई विल कंपनी हर।